अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुम क्लास सेकंड ए का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है यूज़र एंड या एंड यूज़र। उसके अलावा दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र या एंड यूज़र किसे कहते हैं। तो एंड यूज़र हमारे पास वो पर्सन होता है, वो एम्प्लॉय होता है, मतलब वो पर्सन होता है जिसके लिए वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया हो, जिसके लिए वो डेटाबेस डिज़ाइन की होती है, मतलब कि जिस पर्सन ने वो यूज़ करनी होती है, जिसके डिज़ाइनिंग से कोई तल्लक नहीं होता, सिर्फ उसने वो प्रोडक्ट को यूज़ करना, उस डाटाबेस को यूज़ करना होता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, डाटाबेस एंड यूज़र या एंड यूज़र कहते हैं। ठीक है, तो यूज़र एंड यूज़र आर द पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डाटाबेस सिस्टम। दे कैन दे यूज़ डाटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डाटाबेस। अब उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता डाटाबेस का, मतलब टेक्निकल नॉलेज का मतलब किस तरह डिज़ाइन की, किस तरह इसकी बैकएंड पे कोडिंग हुई है, किस तरह इसकी सारे फार्मूलाज वगैरह सेट किए गए, तो इसको इस बात का आइडिया नहीं होता। बस वो उसको यूज़ करता है, उसको उसमें अपनी जो डेली हैं, डेली उसके काम है, डेली उसके जो चोर्स हैं, मतलब उनको वो डील करता है, मतलब चोर्स काम वगैरह। ठीक है, एंड यूज़र इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। अब सबसे बाहर हमारे पास यूज़र जो होता है, हम अपने पढ़े हुए पीछे अपने टॉपिक्स में कि हम एक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट टास्क डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने क्या करना है, तो उसके मुताबिक उसको अकॉर्डिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कॉलेज की ही ले लें, एग्जाम्पल ले लें, कि उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट मैनेजमेंट का फीस मैनेजमेंट सिस्टम है स्टूडेंट का, तो उसका एक डाटाबेस बना हुआ है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसमें अगर आपने अपनी फीस चेक करनी है, अपनी फीस जमा करवानी है, अपना बैलेंस चेक करना है, अपने डिफरेंट अकाउंट वगैरह चेक करना है, तो उसमें बहुत सारे उसका यूज़र एक इंटरफेस होता है जिसको डील करके हम क्या करते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि उसका क्या क्या मतलब पर्पसेस हैं, किस तरह उसको मतलब यूज़ करना है। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को राइट नहीं करते। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू बी यूज। अब एंड यूज़र जो यूज़र है उसको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कैसे करना है, कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास वो पर्सन होता है जो डाटा को उसके अंदर इंसर्ट करता है, जो सारे के सारे उस चीज़ को मैनेज करता है, किस तरह डाटा को इंसर्ट करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है, किस तरह उसको सॉर्ट आउट करना है, किस तरह उसको डिस्प्ले करना है, किस तरह उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका काम है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरे डाटा जो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ही नॉर्मली डेवलप ओवरऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस यूज़ ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो डेवलप करता है, वो क्या वो फंक्शनल करता है, डेवलप करता है जिसमें जिसके एक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह का डेटाबेस, किस तरह के डेटाबेस को यूज़ करना है। ही कंट्रोल एंड मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम, को पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। ही एस्टैब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस दैट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो स्टैंडर्ड को सेट करता है कि किस तरह डाटा को एडमिनिस्ट्रेट करना है और किस तरह उसको आगे सेट करना है। ही कैन आल्सो कम्युनिकेट विद द यूज़र व्हेन नेसेसरी। अब यूज़र जब उसको यूज़ करना है तो उससे भी कम्युनिकेट करता है, जब उसको जरूरत पड़े, जब यूज़र को जरूरत पड़ती है कि उसने कुछ पूछना वगैरह हो या कुछ ने कुछ अमेंडमेंट वगैरह करवानी हो, तो ही शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द डाटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। अब वो यूज़र जो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि किस जब उसने डिज़ाइन किया, उसकी डिक्शनरी डिज़ाइन की, डिक्शनरी मतलब सॉर्ट आउट जिसको हमने पढ़ा था इंडेक्स वगैरह नंबर, तो उसमें भी इसको शामिल होना चाहिए, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मतलब कि किस तरह उसको यूज़ करने के डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं हम, तो उसमें भी इसको शामिल होना चाहिए ताकि डाटा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पता होगा डाटाबेस कैसे डिज़ाइन की है। ही कंडक्ट यूज़र ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर। अब वो यूज़र ट्रेनिंग कंडक्ट करे जब उस जरूरत पड़ती है उसकी। ही ऑथराइज एक्सेस टू द डेटाबेस। अब वो डेटाबेस को एक्सेस की ऑथराइज करता है, मतलब कि किस पर्सन ने कितना यूज़ करना है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी किसके पास होती है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, क्योंकि उसके पास उसको पता है कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर है, किस किस पर्सन को किस किस किस्म की ऑथराइजेशन देनी है। ठीक है, तो ये उसको बताता है। ही कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द यूजेज ऑफ डेटाबेस। तो वो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब बताता है और उसको देखता है कि वो किस तरह यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट है मेरे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हमारा क्या कर रहा है, हम डाटा की जो है ना उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो डेटाबेस को पूरी की पूरी को डिज़ाइन करता है, उसमें बनाना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको मैनेज करना, उसके सारी पॉइंट्स को देखना, ये काम होता है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एन डेटाबेस सिस्टम। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। अब वो इन सारे काम का क्या कहता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको मैनेज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मतलब लगाना, जो आपके पास फार्मूलाज वगैरह हैं, जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मैनेज करना और मेंटेन करना डेटाबेस सिस्टम को।
ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड गुड मैनेजर, उसके अब वो अच्छा कंपिटेटर हो, मतलब अच्छा काम करने वाला और अच्छा मैनेजर हो, काम को मैनेज करने वाला अच्छा पर्सन हो. ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो ताकि वो यूज़र से रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बना सके. ठीक है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली यूज़र से अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा और उसे पता नहीं लगेगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो फिर उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन नहीं कर पाएगा. मैनेजर स्किल आर इंपॉर्टेंट इन द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क. अब उसके पास मैनेजमेंट स्किल हो कि किस तरह उसको स्टार्ट आउट करना है सारे सारे काम को. अब यूज़र ने तो नहीं बताना कि उसको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, उसे बताना कि मुझे मेरा इस तरह काम है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद उसका काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, कि उसको मैनेज करे कि उसको किस इस तरह को इसको ये चीज़ चाहिए तो इसको इसको इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करके देना है. टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की इंफॉर्मेशन हो कि ये कंप्यूटर मतलब इस तरह का कंप्यूटर चाहिए, इस तरह का इनका डेटाबेस सिस्टम है, इनको इतने मतलब अगर हार्डवेयर की बात करें तो इनको इतनी रैम या इतना ऐसा प्रोसेसर या इतनी हार्ड चाहिए ताकि वो सारे डाटा को डेटाबेस को मैनेज कर सके. डिप्लोमेटिक स्किल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेट विद द यूजर एंड डिटरमाइन देयर नीड्स. इट इज़ अब डिप्लोमेटिक मतलब ये है कि उन्हें पता डिप्लोमेटिक होता है सियासी मतलब कि डिप्लोमेट हो, मतलब जिसको मतलब को पता हो कि किस तरह यूज़र से इंटरेक्ट करना है और उसके मुताबिक उसकी नीड्स को सॉर्ट आउट करके उसके मुताबिक डाटा को सॉर्ट आउट करना है और डेटाबेस को डेवलप करना है. ठीक है, डेट्स दी क्लास, ये बार आज का लेक्चर था. इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.